मैं दिखाने जा रही हूँ फ्लावर पोटली बैग। ये दो कपड़े से अभी दोनों को मैं काट लेती हूँ, अभी दाग लगा लेती हूँ और इसको काट के निकाल लेती हूँ। पोटली बैग तैयार हो चुका है। नमस्ते, मैं हूँ रूमा, आप सभी का स्वागत है इजी स्टिचिंग आइडिया में। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ फ्लावर पोटली बैग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो कपड़े से मैं फ्लावर पोटली बैग बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ये कपड़ा लेकर इसको फोल्ड कर चुकी हूँ। इसका लंबाई लूँगी 23 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई लूँगी 20 सेंटीमीटर। अभी इसको मैं काट के निकाल लेती हूँ। दोनों साइड में ही 1/2 इंच जितना छोड़ दूंगी सिलाई के मार्जिन के लिए। तो इसका मिडिल का माप मेरा रहेगा 18। 3 फ्लावर्स मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। पहले मैं उसका माप ले लेती हूँ। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और यहाँ भी होगा 6 सेंटीमीटर और इस साइड मैं लूंगी 2 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर का मिडिल मैं निकाल लूंगी 3 सेंटीमीटर। हाफ राउंड शेप देके इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी काट के मैं निकाल लेती हूँ। इसको मैं काट चुकी हूँ। अभी नीचे का तरफ से ऊपर की तरफ मैं लूंगी 3 सेंटीमीटर। इस साइड भी मुझे लेना है 3 सेंटीमीटर। ऊपर की तरफ भी लूंगी 3 सेंटीमीटर। फिर इसको एक बॉक्स में बना लेती हूँ। ये साइड में भी मैं सेम ही करूंगी। अभी दोनों को मैं काट लेती हूँ। ग्रीन वाले कपड़े के ऊपर इसको बैठा के ऐसे ही काट के निकाल लेती हूँ। ये मैं बैठा चुकी हूँ इसको इसके ऊपर। अभी दाग लगा लेती हूँ और इसको काट के निकाल लेती हूँ। ये मैं सारे पीस काट के निकाल चुकी हूँ। ये है मेरा बैग का 2 पीस, ये है उसका हैंडल लगाने के लिए और ये डोरी लगाने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी, यहाँ पे मैं डोरी डालूंगी।
सभी पॉइंट पे मैं दाग लगा चुकी हूँ। सिला कैसे जाता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं सिल चुकी हूँ। अभी इस साइड में इसको ऐसे करके यहाँ पे मैं सिल लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये मैं एक पार्ट सिल चुकी हूँ। अभी ग्रीन वाला पार्ट मैं सिल लेती हूँ। ये साइड यहाँ से यहाँ तक मैं खुला रखूंगी। तो मैं कैसे सिलती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डोरी और हैंडल पहले तैयार कर लेती हूँ। सभी पट्टी में सिल लेती हूँ। पतली डोरी में बना लेती हूँ। ये मैं पतली डोरी सिल के तैयार कर चुकी हूँ। बैक को कैसे पूरा तैयार करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कपड़े को सीधा कर लूँगी। ये येलो वाले कपड़े को ग्रीन वाले कपड़े के अंदर मैं ऐसे करके घुसाऊँगी। फिर इसको ऐसे करके पकड़ूँगी और पकड़ के यहाँ पे पूरा सिलती जाऊँगी। तो मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये मैं पूरा सिल के तैयार कर चुकी हूँ। अभी इसके ऊपर मैं छोटा छोटा कट लगाऊंगी और इसको पलट लूंगी। कट लगा चुकी हूँ, खुला हुआ साइड है, इधर से मैं पलट लेती हूँ। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ। अभी ये कपड़े को मैं सिल लेती हूँ। इसको सीधा कर लेती हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे ये हैंडल मैं सिल लेती हूँ। खुले हुए हिस्से पे इस साइड से इस साइड तक एक दाग लगा लेती हूँ और उसके ऊपर पूरा राउंड शेप करके सिल लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ। ये मैं पूरा तैयार कर चुकी हूँ। डोरी इसके अंदर सेफ्टी पिन की मदद से डाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। डोरी इसके अंदर डाल चुकी हूँ। पोटली बैग तैयार हो चुका है। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में नया कुछ लेके आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी।